स्टूडेंट्स, ओनली यूपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको अब जिस प्रकार से सब लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें नोट्स चाहिए, हम लोगों ने आपके लिए फ्री नोट्स अपनी वेबसाइट ओनली www.onlyupsc.in पर हम लोग प्रोवाइड कर दिया। हमने नीचे आपके स्लैगन भी दिख रहा होगा, नीचे यही हमारी वेबसाइट है, नीचे दिख रही है www.onlyupsc.in। फ्री नोट्स के लिए आप वहां पर जाएं, वेबसाइट्स पे आपको मिलेगा। फ्री नोट्स के लिए आपको लॉगिन करना, वो वेबसाइट है वही। तो आपसे अनुरोध करूंगा, जितना ज़्यादा इस वेबसाइट के बारे में लोगों को बताइए। फ्री नोट्स है, कोई कॉस्ट नहीं है इसके लिए, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फायदेमंद है। और वीडियो को शेयर करिए। ले चलता हूं सर के पास कि आज की क्लास कौन सी है। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में मचा हुआ है। पूरी दुनिया की सरकारें इस जुगत में लगी हुई हैं कि किस प्रकार कोरोना से ये मानव सभ्यता लड़ पाए। मानव सभ्यता के जीविका पर सबसे बड़ा प्रश्न लग चुका है कोरोना के रूप में। आपको कोरोना से बचाव करने के लिए 2-3 सरल उपाय करने हैं। पहला उपाय यह है कि अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहिए और ऐसे सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। साथ ही कोशिश कीजिए कि अपने हाथ से नाक, कान और मुंह को मत छुइए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह होते हैं और यहाँ से वायरस बहुत ही आसानी से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोरोना का कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है, तो आप डॉक्टर को तुरंत संपर्क करिए और कोशिश कीजिए कि किसी और के संपर्क में ना आए, क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है उसमें अगर आप साथ देंगे तो वो सफल होगी और तभी ये मानवता, ये समाज बचेगा। साथ ही सचेत रहें और डरे नहीं, क्योंकि जो मृत्यु दर है इस केस में वो बहुत कम है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपका प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, तो निश्चित तौर पर लोग ठीक भी हो रहे हैं। भारत में लगभग 120 केस दर्ज हुए हैं जिसमें 4 लोग पूर्णतया ठीक भी हो गए हैं, और जो जिन 3 लोगों की मृत्यु हुई है वो और कई रोगों से ग्रसित थे। इसलिए बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षात्मक उपाय करने की ज़रूरत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन प्रशासन को। इससे पहले हमने गुप्तों के राजनीतिक विकास क्रम को पढ़ा था, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन। अब प्रशासन जो होता है वो कई स्तर में बटा होता है। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि केंद्र में एक सरकार है जिसको नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, साथ ही अलग अलग राज्यों की सरकार है। मसलन की दिल्ली की सरकार जिसको केजरीवाल चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को योगी चला रहे हैं, यानी कि कई राज्यों की सरकार है। एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्यों की सरकार, और तीसरा जो स्तर होता है जिला पंचायत का, और उसके नीचे ग्राम पंचायत का। तो गुप्त काल में भी जो प्रशासन की इसी प्रकार से वर्गीकृत इकाइयाँ थीं, तो उनको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य काल, गुप्ता पीरियड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम पहले एक चार्ट बना लेते हैं किस प्रकार इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला है वो है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है प्रांतीय प्रशासन, तीसरा है जिला प्रशासन, और फिर ग्राम प्रशासन। तो इसको अलग अलग हमने वर्गीकृत कर लिया, इसी क्रम में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, बाकी केंद्रीय प्रशासन हम हेडिंग ले रहे हैं जिसको हम पढ़ेंगे। Thank you.
केंद्रीय प्रशासन, एक शिकायत है आपसे कि आप बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको मुफ्त शिक्षा मिल रही है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से पढ़ाई करें। यहाँ पर जो इतनी मेहनत की जा रही है, बहुत सारे रिसोर्सेस को लगा करके मेहनत की जा रही है कि आप तक मुफ्त में क्लास पहुँच सके। आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक फीस लगती हैं। जब इतना फीस लगा करके आप जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो आपको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब आपको घर बैठे बिना 1 रुपया पेमेंट किए हुए मुफ्त में क्लासेस मिल रही हैं, तो आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ये ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही इस पूरे व्यवस्था के लिए अच्छा है जिसमें हम और आप दोनों भागीदार हैं। हमारे यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ाने का मतलब तभी सिद्ध होगा जब आप उसको ईमानदारी से पढ़ेंगे, और जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा आपके लाइक कमेंट के माध्यम से कि आप कितना उसको फोकस करके पढ़ रहे हैं। ऐसा कीजिए कि अगर पढ़ाई मन से करना है तभी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि हर परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी बैठ रहे हैं जहां पर मात्र 100, 200, 300, 400, 500 सीटें आती हैं। इस दौर में अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे और आपको ये लगता है कि नौकरी मिल जाएगी, तो आप कोई दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आपके सपने जो आपने खुली आंखों से देखा है वो तभी साकार होंगे जब मेहनत से आप पढ़ाई करेंगे, जिम्मेदारी लेकर के पढ़ाई करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप कमेंट कीजिए, हमको ईमेल भेज दीजिए, हमने आपको ईमेल एड्रेस दे रखा है। क्यों आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? अगर आपका कोई क्लास छूटा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा एक क्लास छूटा हुआ है। हम आपको बताते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 0 से लेकर के 1-1 वीडियो पढ़ा हुआ है। अगर पॉलिटी शब्द, इतिहास शब्द को पहली बार आपने सुना है, तो वहाँ से लेकर के और यहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हैं, यहाँ तक की सारी क्लासेस क्रमवार वहाँ पर पड़ी हुई हैं। उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हमने अपने चैनल का आपको ईमेल एड्रेस भी बता रखा है जिस पर आप कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका ये रवैया रहता है तो निश्चित तौर पर निराशाजनक है और बिल्कुल भी उत्साह हमको नहीं दे रहा है। आपको फ्री क्लास ये तभी मिलता रहेगा जब मेरा उत्साह बना रहेगा। अगर हमारा उत्साह डाउन होगा तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा और समाज का होगा। हमारा उद्देश्य है कि मुफ्त में शिक्षा हर उस व्यक्ति तक पहुंचाई जाए जो किसी संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो आप इसमें अपनी भागीदारी को मजबूत कीजिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। ये बीच बीच में ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पांस मुझे जैसा उम्मीद है वैसा अभी नहीं मिल रहा है। तो आगे से मैं उम्मीद करता हूँ कि रिस्पांस अच्छा आएगा, और जैसा कि हम शुरुआत से कहते आए हैं कि बिना 1 रुपये फीस लिए पूरी क्लास पूरी तैयारी फ्री में करवाएंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रशासन, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि प्रशासन, अब प्रशासन का काम क्या होता है? प्रशासन का काम होता है व्यवस्थाओं को चलाने का। कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी? जैसे आप देखते हैं कि केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार में एक प्रधानमंत्री है, उनके सहायता के लिए बहुत सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, तथा इन मंत्रियों के सहायता के लिए अलग अलग विभागों के सचिव होते हैं और उनके नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो काम करते हैं। यानी कि एक हायरार्की होता है, एक अधिकारी तंत्र होता है जिसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ये ऊपर से नीचे तक सेटअप होता है जो नीतियां बनाता है और उसका क्रियान्वयन करता है। तो इसी प्रकार चाहे वो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या किसी राजा की व्यवस्था हो, उन दोनों व्यवस्थाओं में समुचित रूप से प्रशासन चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है और उनको अलग अलग विभाग दिया जाता है उनकी क्षमता के अनुसार, उनके जानकारी के अनुसार।
तो यहाँ पर भी जो गुप्त काल है, वहाँ पर जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें अलग अलग महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो अपने विभागों में अलग अलग काम करते हैं। तो उन विभाग के अधिकारियों से संबंधित सीधे सीधे सवाल आते हैं और लिख दिया जाता है कि इनका काम क्या होता है। तो एक एक करके उनको समझेंगे। तो पहला जो अधिकारी है उसका महादंड नायक। जो पहला अधिकारी है वो क्या है? महादंड नायक। अब जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि दंड कहां दिया जाता है और दंड देने का अधिकार किसको होता है? दंड देने का अधिकार न्यायपालिका का होता है। आपने कुछ गलत किया, जिसके साथ गलत किया वो गया न्यायपालिका के पास और वहां पर मुकदमा हुआ, दोनों पक्षों को सुना गया और फिर वहां बैठा कोई व्यक्ति जो न्याय देने का काम करता है वो अपराध किए हुए व्यक्ति को दंडित करता है, दंड देता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि महादंड नायक एक पद है जिसको वर्तमान में आप न्यायाधीश कहते हैं, आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायाधीश कहते हैं। तो इसका काम क्या था? न्याय करना इसका काम था। यह मुकदमों की सुनवाई करता था, न्याय करता था। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, दंड शब्द से आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ऐसे जब सवाल आते हैं तो वहां पर अगर आप सामान्य लॉजिक लगाएं तो बहुत सारे सवाल आसानी से ऐसे ही हल हो जाएं। लेकिन होता क्या है कि लोग खास बनने के चक्कर में आम होना बंद कर दिए हैं, बहुत जो जनरलाइज्ड व्यू होता है उसको छोड़ दिए हैं। 2014 में निशांत जैन IAS जो सिलेक्ट हुए, हिंदी माध्यम के टॉपर हुए, वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि UPSC चाहती है जनरलाइज्ड लोगों को, वो चाहती है ऐसा व्यक्ति हो जो आम तरीके से सोचे लेकिन खास नीतियां बनाए। यानी कि जो सोच है आपकी वो बहुत ही जनरल होनी चाहिए, बहुत सामान्य बातों पर आपकी नज़र तीखी होनी चाहिए, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर पूरे शब्द को गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर आप दे पाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल UPSC पूछती है और बहुत ही जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं दूसरा अधिकारी कौन है। दूसरा जो अधिकारी है उसका नाम है महाबलाधिकृत। जैसा कि आपने राजनीतिक विकास क्रम में देखा कि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, और कालिदास साहित्यकार किसके हैं? संस्कृत के साहित्यकार हैं। तो गुप्ता पीरियड में जो संस्कृत है वो काफी प्रचलित भाषा थी, बहुत ही प्रचलित भाषा थी। तो जो ये नाम बड़े बड़े आप देख रहे हैं, महादंड नायक या महाबलाधिकृत, ये कैसा लग रहा है? एक बड़े नाम, और ये चूंकि संस्कृत से निकल करके हिंदी उसका अपभ्रंश है, हिंदी क्या है, संस्कृत का अपभ्रंश है, तो उसी से जो है वो निकल करके आया है। तो जब ये संस्कृत के नाम हिंदी में कन्वर्ट हुए तो बड़े बड़े रूप में इसी प्रकार से हैं। अब यहां पर भी आप गौर कीजिए कि महाबलाधिकृत जो है ये एक पद है अधिकारी का, तो ये किससे संबंधित होगा? अब यहां पर अगर आप सामान्य लॉजिक लगाएं तो बलाधिकृत यानी कि जिसके पास बल ज्यादा हो, जो शक्तिशाली ज्यादा हो। अब जो शक्तिशाली ज्यादा होगा उसका काम क्या होगा? लोगों की रक्षा करना। तो ये जो सेना नायक होते थे उनको महाबलाधिकृत कहा जाता था गुप्तों के काल में, सेना नायक जो थे वो महाबलाधिकृत कहे जाते थे। ये हो गया आपका दूसरा अधिकारी का पद।
तीसरा जो है संधि विग्रहक, संधि विग्रहक। अब आप फिर से शब्द पर गौर कीजिए। मैं हमेशा यही बताते हुए आया हूं आपको कि अगर आपके शब्द क्लियर हैं तो दुनिया की कोई भी थ्योरी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरी हो वो बनती शब्दों से ही तो है। कोई भी परिभाषा हो, कोई भी नियम हो, कोई भी विधि हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ शब्दों का समीकरण होता है। अगर आपकी शब्दों पर पकड़ है किसी भाषा के, तो कुछ भी समझना बहुत ही आसान होता है। होता समस्या ये है कि शब्दकोश इंसान को लगता है कि उसका बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत सीमित होता है। शब्दकोश बढ़ता कैसे है? शब्दकोश बढ़ता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से, अध्ययन करने से। जब आप नए नए शब्दों के पास जाएंगे और उसके अर्थ को खंगालने का कोशिश करेंगे, तभी आपको शब्द मिलते जाएंगे। कई बार होता यह है कि विद्यार्थी नए शब्द से परिचित तो जरूर होते हैं, लेकिन वो उनके महत्व को नहीं समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और दोबारा वही शब्द उनके लिए समस्या बन जाते हैं। तो जब आपके पास, आपके सामने कोई नया शब्द आए, तो उस पर गौर कीजिए, उसके पूरे मतलब को समझ लीजिए। आप कुछ दिन बाद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान के आधार पर विकसित पाएंगे। वो कोई भी शब्द हो, किसी भी भाषा का हो, अगर आपके सामने आया और आपने उस पर गौर किया, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया, पढ़ाई किया, तो कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आप बहुत आगे निकल गए हैं। यही तरीका होता है अपने व्यक्तित्व के विकास का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संधि विग्रहक, तो संधि मतलब किसी का जुड़ाव। अब प्रशासन में अगर कोई अधिकारी है और वो संधि विग्राहक कह के बुलाया जा रहा है, इसका मतलब उसका काम क्या है? संधि करना लोगों जो है, तो जो केंद्रीय प्रशासन है वहां पर संधि का काम कौन करेगा? जो दूसरे राज्य से जो है मतलब रखता हो, और विग्राहक यानी कि कोई समस्या हो तो उनसे संधि तोड़ना, ये काम कौन करता है? वर्तमान में कौन करता है? जैसे मान लीजिए अमेरिका को भारत से कोई डील करना है, तो उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाएगा? एक तो प्रधानमंत्री होंगे जो सारे मंत्रियों को लीड करते हैं, लेकिन उसके बाद जो मुख्य है वो कौन है? वो विदेश मंत्री होता है। वो कौन होता है? विदेश मंत्री होता है। तो यहाँ पर जो संधि विग्राहक है, ये विदेश मंत्री है, ये अपने राज्य के बाहर के राज्यों से संधि करता है और उनसे विग्रह भी करता है। तो ये कौन, संधि विग्राहक का जो पद है वो क्या है? विदेश मंत्री का पद है। विदेश मंत्री का पद है। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वो है कुमार मात्य। कुमार मात्य, कुमार मात्य जो है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है कुमार मात्य जो है, वो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनेंगे, तो जो आईएएस अधिकारी होता है उसका सबसे बड़ा पद जानते हैं क्या होता है? गृह सचिव का होता है, होम सेक्रेटरी। तो होम सेक्रेटरी क्या हो गया? सर्वोच्च पद हो गया ब्यूरोक्रेसी में। तो इसी प्रकार गुप्तों के टाइम में जब गुप्त राजा थे, तो उनमें जो सर्वोच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी था, वो कौन था? कुमार मात्य था। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो केंद्रीय प्रशासन में थे। किसके? गुप्तों के केंद्रीय प्रशासन में थे। इनके बारे में दो एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लिख लीजिए। इनका जो पद था वो वंश के आधार पर था, इनका जो पद था वो वंशानुगत था, वंश के आधार पर था। यानी कि अगर कोई आज इनमें से कोई एक अधिकारी है, तो उसका बेटा ही उनको जो है प्रतिस्थापित करेगा, उनका बेटा उसी पद पर आएगा।
साथ ही साथ एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद भी दिए गए थे। ये दो महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित, जिसको आप नोट कर लीजिए। पहला ये है कि इनका पद वंशानुक्रम था, यानी कि वंश के आधार पर निर्धारित होता था, और दूसरा ये है कि इनको एक से अधिक पद आवंटित किए जाते थे। यूपीएससी के परीक्षाओं में यही बातें जो मैं आपको आखिर में बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट के तहत आते हैं, और जो इसको गंभीरता से नहीं सुनता है और उनको नहीं नोटिस करता है, वो यूपीएससी के सवालों को हल नहीं कर पाता है। तो आप छोटी छोटी बातों को, जिसको मैं लिखाऊँ या लिखने को ना बोलूँ, उसको भी आप ध्यान से सुन करके नोट कर लिया कीजिए। इससे निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। तो इस क्लास में इतना ही। आगे क्लास में आप पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन और ग्राम प्रशासन। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।